क्या हो जाए। चलो लेट्स गो, मैंने हाउस मास्टर से परमिशन ले ली। Yes, one extra matter, please. One way. Jam, see what I got. Water bottles. 24. अब तो गुम सुनी खामोश हो गई है ये जुबान, दर्द भी अब तो होता एहसास कोई बाकी है कहाँ, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। अरे तुमको मालूम नहीं, वो गया होलकर सर, गया पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया। उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया। आई होप कि वो होलकर सर से डिफरेंट। चल लेट हो गया, चल ना।
चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलि मल सुलुसुलु मल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले ए, 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 मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या पल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़ बड़ाते रहे खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे ओ जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे और बम बम बोले
ये लो, ये आपका, ये आपका और ये आपका। ड्रॉ करो, पेंट करो, जो जी में आए करो। तब तक मैं जरा ये रख के आता हूँ। लेकिन क्या पेंट करें सर, टेबल पे तो कुछ नहीं है। ये टेबल ये टेबल बहुत छोटा है मेरी जान, इतना छोटा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों का वजन उठा नहीं पाएगा। अपने दिमाग में झांको और एक जबरदस्त टेक्निकल में फोटो खींच के बाहर निकालो और पटक दो पेपर। लूटो लूटो मजे, यहां तुम्हें कोई रुकने टोकने वाला नहीं। कहाँ खो गए दोस्त, ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे? कोई बात नहीं, कोई चलता नहीं। पेंटिंग कर रहा अच्छा नहीं लगता? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? हमारी माँ का फोन आया था, जाओ जाके फोन के पास खड़े रहो, वो फिर से फोन करने वाली है। गो। हेलो हेलो, ईशान अवस्थी है? जी जी, एक मिनट बात कीजिए। ये लो। देखो इनू, हम सैटरडे को नहीं आ सकते बेटा। संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा। मैं जानती हूँ अब मामा से बहुत गुस्सा है। मामा इज वेरी बैड, बहुत बुरी है मामा। आई एम वेरी सॉरी इनू, लेकिन मामा भी क्या कर सकती है ना बेटा। दादा को भी फाइनल्स की टेंशन है ना। दादा से बात करोगे? लो दादा से बात करो। एक एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। हाँ एक मिनट। हेलो इनू, हेलो
तुम्हें फाइनल्स में बहुत मिस करूंगा इनू। हेलो हेलो इनू, इनू बेटा मम्मा से बात करो। हेलो इनू, इनू हेलो 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 मैडम, वो तो चला गया। हाँ मैडम सॉरी। क्या हुआ? मत करो, अगले संडे चले जाए। अरे अरे वहां कहाँ रख रहे हो? बच्चों का क्लास हो रहा है। तो क्या हुआ, बोलकर कभी नहीं रखता था, वो जगह किताबों के लिए है। तो इन्हें कहाँ रखो? कहा था वापस बच्चों को, ऐसे नहीं किस काम के ये। What a racket they're making in your class, Nikam. पक्का मच्छी मार्केट बन गए। बच्चे सर चोर तो करेंगे, और फिर आर्ट क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो सब ठीक है, जस्ट गो इजी। हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। सुना है कल क्लास में आप गा रहे थे और फ्लूट भी बजा रहे थे। हाँ गा रहा था, फ्लूट भी बजा रहा था। बच्चे खुश, मैं खुश, लेकिन इसी स्कूल के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं है। किन बच्चों जैसे? ट्यूलिप स्कूल में पढ़ाते हूँ मेंटली रिटार्डेड एम नॉर्मल बच्चों को। उस तरह के स्कूल में जैसा मन जाए वैसा क्या फर्क पड़ता है? भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का। नो सीरियसली, ये एक फॉर्मल स्कूल है, तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू कंपीट, सक्सीड, मेक अ फ्यूचर। हमारे विद्यालय के तीन सिद्धांत, नियम, अनुशासन, परिश्रम, सफलता के तीन स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। हाय लिटल तिवारी जी, अब जर्मन सीख ही लीजिए। क्या हुआ ईशा? ओके 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 इट्स ओके। अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सर मालूम नहीं सर, अभी था इधर, सडनली भाग गया। अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा। नहीं नहीं सर, डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए। यार तुम्हारा नाम क्या? राजन दामोदरन सर। राजन एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सर कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश रहता, पूरे बुक में रेड मार्क्स रेड मार्क्स। व्हाट टू डू?
अभी आप बैठ के खेलो, मैं आता हूँ। प्याज काट करा रहे हो कहीं से? इंसान भी ना जानवर से बदतर है, जानती हूँ। और अंधा, अंदरूनी खूबसूरती से बिल्कुल परे। किससे पला पड़ा वहां? अपने आप से। सालों बाद अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। जाते ही किसी ने शीशा दिखा दिया। मैं तो हमेशा कहती हूँ देखने को, कितनी अच्छी शक्ल है तुम्हारी। जबीन, तो खतरे में। कौन? कौन राम? एक स्कूल में 8-9 साल का बच्चा, ना बोलता है ना कुछ, डरा डरा सा रहता है। उसकी आंखें जैसे मदद मांग रही है। मुझे डर है वो डूब जाएगा। दादा दादा। हाँ प्रद्युम्न। दादा चल, रिसेप्शन का टाइम हो गया, चल चल चल। ए साहिल चल, शो कब है मालूम है ना? 2 दिन बाद। शाबाश, चल। Today, let's open the windows of our hearts and peep outside to see little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun. देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की
खुशियों की नहर है, खो न जाए ये। तारे जमीन पर सीने पे ये तो छिल मिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए ये। तारे जमीन पर मोहल्ले की रौनक गलियां है, जैसे खिलने की जिद पर कलियां है, जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये। जमीन पर जी। नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है, मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसके थर्ड स्टैंडर्ड के बुक्स हैं। जी। ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चल के जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की छड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत हो बड़ी, जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज न किया जागराए कुछ कहे, जैसे बैठे बैठे मीठे से छपके, जैसे प्यार की धीमी से थमके, जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रही रहे। जाए।
पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता नहीं था। पिछले साल वो थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हो गया, यकीन करेंगे? थर्ड स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है, और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या, पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? तो फिर आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न काय का पैटर्न, सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए? ये देखिए, ये बी की जगह डी, तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन, और ये एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेज, एनिमल एनिमल एनिमल, एक ही पेज पे तीन अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक अलग स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILID सॉलिड। क्यों करते हैं वो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है, तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता शायद, इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। सर ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूँ मैं, ये तो चाइनीज में। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की, अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो, क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले गाड़ी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेट कर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर यहां
क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता? नहीं करना क्या कि टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन निशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है। कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं, बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया बसी है और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। नो ऑप्शंस कहता है, नो ऑप्शंस, कोई चारा नहीं। अरे घोड़े दौड़ाने का इतना ही शौक है तो ब्रीड रेस हॉर्सेस, डैम इट, बच्चे की पैदा करते हो। अपनी एम्बिशंस का वजन अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालना, शह, इट्स वर्स देन चाइल्ड लेबर। और बच्चा वजन उठा नहीं पाया तो कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है? आज नहीं तो कल सीख ही जाता है। अपनी अपनी रफ्तार होती है, पांचों उंगलियों का हाथ बनता है। पर कहां हमें नन्हे मुन्ने को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं। Thank you.
दोस्तों आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थ्योरी जो सुनी जाने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो। अल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है। कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये, द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब, कुछ समझ में आया? नहीं। आप पढ़ो। ईशान जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो, एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने, पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर। उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया, कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वॉल्ट डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा, गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से यह सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे
और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर लकड़ी कचरा कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान एक मिनट, राजन तुम जाओ। जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया, शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है रामशंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी, मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए, उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं, उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये टफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान, मेरे घर गए थे। प्रिंसिपल साहब है? हाँ सर। नहीं नहीं बैठो बैठो,
मॉर्निंग सर। हाँ निकुम, कमिंग कमिंग। सर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। ईशान अवस्थी, थर्ड डी, नया स्टूडेंट है। हाँ आई नो आई नो, दूसरे टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है। बैठो। हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा अकलमंद बच्चा है, उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिसलेक्सिया के बारे में। आई सी। यस सर। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया निकुम। सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे, बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है यूसी। गुड गुड, तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह है उसके लिए, क्यों? नो सर, इज अ चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस, उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का, उसे बस जरा सी मदद चाहिए हमसे। और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। देखो तुम मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा यहां कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज। सर कर लेगा सर, टीचर्स जरा सा हाथ पटा दे, हो सकता है। कहां है टाइम टीचर्स के पास? 40-40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना, come on Nikum, it's impossible. सर जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा, हफ्ते में 2-3 घंटे बस, मैं करके दिखाता हूं। और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है, उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है। एंड एज ऑस्कर वाइल्ड सेज, हु वांट्स अ सिनिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। सर प्लीज सर, सर जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये जंग का मैदान, सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न छू। क्या सोच है सर, ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क। और ये देखिए सर, अनु का फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान। क्या सोच है सर, महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई। सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर। तुम चाहते क्या हो उसे? सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। ज्ञान तो ज्ञान होता है सर, चाहे वो जबानी हो या लिखित। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। पता नहीं, टेम्पररी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे।
big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था, एक कुएं में रहता था, मेंढक का साझा मेंढक का साझा राइट परिवार से इन द मून लाइट माइटी नाइस माइटी नाइस वेरी गुड. अब तीन जोड़ो. वेरी गुड. अभी इसमें पांच जोड़ो. कहां पहुंचे? प्लस सेवन. वेरी गुड. अभी ग्यारह कम करो. सेड हेनी पेनी दे सेट ऑफ टू अ नोज बिटवीन ईच पेयर ऑफ आईज. Noses, noses, every size. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Yes! Simbad was dazzled by multicolored lights. Were made of cake and chocolate. सर एक सवाल था, आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की है? What? क्या ये सर? What is this? पेंटिंग कंपटीशन, टीचर स्टूडेंट सब के लिए. Wow, I want all of you to come, okay? No, seriously. कला का मकसद क्या है? अपने अंदर छिपे जज्बातों को छूट देना. आज खुश हो, हाथ ऑटोमेटिकली ब्राइट प्लेस की तरफ बढ़ते हैं. लंच बकवास था, सारे काले गर्दुले रंग पेपर पर निकलते हैं. एक्सक्यूज मी. हाँ मिस्टर अवस्थी, आइए आइए, प्लीज कम. दोस्तों मैं जरा दो मिनट आया. आइए बैठ. सॉरी जगह जरा कम है. यहां कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था. ईशान से मिले? नहीं अभी नहीं, मिलूंगा. पहले आपसे कुछ बात करनी थी. कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है. डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है. आपको बताना था. क्यों, मुझे क्यों बताना था? नहीं कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते. ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी. इसमें इलाज की शक्ति है. एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है. बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है. एक आध छप्पी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं. बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं. अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ. क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा. ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी. मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं.
मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सॉलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सॉलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है, क्योंकि वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। वेलकम सर, वेलकम। देखो भाई हम आ गए। यू हैव फाइनली कन्विंस मी टू बिकम अ संडे पेंटर। वेलकम मैम, वेलकम। आइए आइए, चलिए चलो। यू ओके?
कहाँ है तुम्हारा ईशान? I've been dying to meet him. पता नहीं, नजर नहीं आ रहा है. राजन, ईशान कहाँ है? पता नहीं सर, वो तो सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गया. अच्छा, क्या निकुम, फंसा दिया ना अपना को भी? अरे जॉस सर, करके तो देखिए मजा आएगा. अरे नहीं भाई नहीं, अपने से ये पेंटिंग वेंटिंग नहीं होती. निकुम, I have decided I'm going to make a wordy painting. निकुम, इतना अल्फाबेट डालूंगा अल्फाबेट से भर दूंगा. You seem to be limited by your language sense sir. भाई निकुम, मैं तो हेडमास्टर को अपना मुंह दिखा दिया हूँ. सिर्फ 5-10 मिनट, मैं अपना रविवार खराब नहीं करूंगा भाई यहाँ. अरे आप आए यही खुशी की बात. अच्छा कहाँ बैठना? आपको तो आपकी जगह बच्चे दिखाएंगे. बच्चों, अब बच्चों इधर आओ, जरा सर को अपनी जगह दिखाओ. जाओ सर. हमारी आज की खास मेहमान श्रीमती ललिता लाजमी, टीचर, पेंटर, माय गुरु. नमस्कार. नमस्ते. थैंक यू फॉर कमिंग. हे गाइस, ईशान को देखा? नहीं सर. सर राजन के साथ आएगा. राजन कहाँ है वो? पता नहीं सर, मैंने बताया ना, सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गया. Thank you.
खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना 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 क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू अरे दिवारी सर आप गए नहीं आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे ये क्या बना रहे हैं आप ये मेढक ये बतख और ये केला मेढक सी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है तू धूप है छम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं तेरी तो मंजिल है वही ओ क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू बच्चों 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 कैसी है पेंटिंग देखिए देखो अति सुंदर सर फर्स्ट प्राइज सर क्या बात है क्या बात है सर खोलो खोलो दरवाजे पर दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना
खुल गया, आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहां। धूप है छम से बिखर, तू है नदी और बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां वाह, क्या गुजरी है सुबह। रंगीन खिड़कियों के शीशे पार करके गुजरते गुजरते पहुंचे अपने बचपन में, सुभान अल्लाह। दूसरों का बचपन भी खूब देखा। जॉय सर से तो हमने वादा लिया है कंपल्सरी लेसन लेंगे निकुम सर से, क्यों जॉय सर? लेकिन सर मैं अकेला नहीं, सेन और तिवारी सर भी, इन दोनों की पेंटिंग भी सबसे ज्यादा खराब थी। ठीक है निकुम, से याद आया एक खुशखबरी है, अब हमें नया आर्ट टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकुम सर आप ट्यूलिप स्कूल के साथ साथ हमारे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम। लेट मी कम टू द रिजल्ट्स ऑफ आर्ट मेला। हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन अ रियल फिक्स, बड़ी उलझन में थी, दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी। इट वॉज अ टाई, वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी, हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाएगी। अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते, क्या करें क्या करें क्या करें। लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हां बच्चों, ये जो आपके निकुम सर है ना, हार गए हैं, और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना, 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी आपका। Get up!
Come on, Rajan. Say bye to your friends. Time to go. Bye. Bye, Rajan. I'll miss you. ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग. Just look at it. What a masterpiece. He's a very talented boy. And I'm really happy to have him in my school. Teacher से मिले? नहीं, नहीं sir. Please go ahead and meet them. They will give you the progress report. Thank you so much. And Mr. and Mrs. Dave, enjoy your summer holidays. Hello. Hello. Come in. Mr. and Mrs. Avasthi? Ishan's parents? Oh, Ishan. Imagine. Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say. Kyun Tiwari sir? भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है, टिक नहीं पाएगा यहाँ, लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया भाई, वाह बहुत खूब, क्या दृष्टिकोण है बच्चे का, बहुत खूब. ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये लीजिए. Now that's progress. Math, grammar, and what a painter. A real discovery. बहुत खूब, बड़ा काबिल बच्चा है आपका. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. No, no, don't thank us. Thank Nikum, that Pied Piper. He really turned the boy around. Lovely boy. Are you? क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे कहूं. आह कम ऑन. ही इज अ लवली बॉय, जस्ट लुक आफ्टर. ईशान, योहान, कम ऑन, मम्मा पापा वेटिंग. Hey, champ. I'm gonna miss you. जल्दी आने का, हॉलीडेज के बाद. अरे. Off you go. Bye, Yuan. Bye, sir.